ये मेन इनकमर आ रहा है, ये मेन इनकमर, ये पीछे डिस्ट्रीब्यूट कैसा हो रहा है? मेन इनकमर इधर से लगा हुआ है, इधर से अंदर बस बार लगे हुए हैं, जो बस बार के थ्रू पीछे से दिखेगा, पीछे से थोड़ा सा दिखेगा। हाँ, बस बार, बस बार लगे हैं। एलबी पैनल से एसएनडीवी में केबल आई हुई है और ये हमारा मेन ब्रेकर है। मेन ब्रेकर से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारे फ्लैटों के लिए, जो मीटर के लिए जाना है। ये जो फ्लैट के लिए जा रहे हैं, सबके फ्लैट के लिए मीटर्स लगे हैं। ये सिंगल फेस की मीटर है, थ्री फेस की मीटर है, सिंगल फेस की मीटर है। जैसे हमारे स्टूडियो है वो सारे सिंगल फेस की है, और 2 BH 1 BH के फ्लैट है जो 3 फेस की है। इसको सिंगल सिंगल ब्रेकर है। जैसे फ्लैट नंबर 1 का हमारा 1 BH है तो ये TP आएगा। फ्लैट नंबर 3 का वह 2 BH है, इसमें TP आएगा, 3 पोलम से भी आएगा। सिंगल स्टूडियो जो है, स्टूडियो को सिंगल सिंगल ब्रेकर आएंगे। ये ड्रेसिंग अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट सब कंप्लीटेड हो गई है। अभी ड्रेसिंग में थोड़ी गड़बड़ है, ऐसी ड्रेसिंग नहीं होती है, फिर से कोशिश करेंगे दोबारा अच्छी तरह से ड्रेसिंग करने के लिए। इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रेकर्स हैं, मेन ब्रेकर्स और ब्रांच ब्रेकर्स, और ये 3 फ्यूज सिस्टम दिए हुए हैं। ये फ्यूज सिस्टम क्या है? इंडिकेटर्स के लिए। जब आप पावर आई है तो RYP का इंडिकेट हमारा करेगा कि फेस हमारा कंप्लीट आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू। ये मेन इनकमर आ रहा है, ये मेन इनकमर, ये पीछे डिस्ट्रीब्यूट कैसा हो रहा है? मेन इनकमर इधर से लगा हुआ है, इधर से अंदर बस बार लगे हुए हैं, जो बस बार के थ्रू पीछे से दिखेगा, पीछे से तो एक दिखेगा। हाँ, बस बार, बस बार लगे हैं तो RYP करके आएंगे। ट्रिपल फोर यानी RYP, इसमें तीनों ब्रांच आएंगे, इसमें भी तीनों ब्रांच आएंगे। ये सिंगल सिंगल है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ये RYP जो आ रहा है, फिर इसके लिए अर्थिंग और न्यूट्रल, इसका अर्थिंग का एक अलग से पास बार होता है और न्यूट्रल का अलग पास बार होता है, जो एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फेस को एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके लगाया जाता है। ये तीनों भाई हैं अलग से, ये एक है वो एक है। तो अभी ये सर्किट का अर्थिंग किधर है और न्यूट्रल किधर है देखा जाए। अभी जैसे किसी ने कनेक्शन करके चला गया है, हम यहाँ चेक करेंगे RYP, उसे फ्लैट नंबर नहीं डाला। जैसे दूसरा हम देखेंगे RYP, इसमें फ्लैट नंबर 3 डाला हुआ है, ये फ्लैट नंबर 1 है इधर, तो फ्लैट नंबर 1 डालना चाहिए तो ये डाला नहीं है, ठीक है। हमने गलती करके आपको बता रहे हैं, इसमें 1 नंबर डालना चाहिए, RYR1Y1P1, जैसे यहाँ डाला हुआ है R3Y3B3, और ये फ्लैटों का है जो तो R3Y3B3 का ये न्यूट्रल और अर्थिंग। आप इसको न्यूट्रल देखेंगे तो इधर दिखा रहे हैं आपको, Y3 दिखा रहा है, B3 दिखा रहा है, 3-4 दिखा रहा है ये, तो इसमें R1 का यह चला जाएगा, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 ऐसे आ जाएंगे। ऐसे फिर न्यूट्रल में पकड़ेंगे तो न्यूट्रल में ऐसे ही Y3 शो कर रहेगा, R3 एक न्यूट्रल इसके आएंगे, ठीक है। सबके एक एक निकल, फिर इसको सर्किट बना के जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 कर दिया, तो इसको 1 2 3 4 करके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और ये क्यों दे रहे हैं हम अर्थिंग यहाँ पर? अर्थिंग दिया हुआ है, बड़ी अर्थिंग है। ये क्या होता है, डोर अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ से भी एक बड़ी अर्थ होगा, लेकिन इसको हम यहाँ से यहाँ अर्थ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक और केबल होना चाहिए, तो ये फुल बड़ी अर्थ हो जाएगा, बड़ी अर्थ केबल लगाया जाता है। और अगर इसका फ्यूज खराब हो गया तो ये रिप्लेस कैसा करेंगे? आराम से इसको आराम से इसको निकाल के, ये मोटर टाइप फ्यूज है, इसको निकाल के इसका कंटिन्यूटी चेक करके, और फिर इसको चेक करके कंटिन्यूटी, अगर खराब है तो इसको बदल कर दोबारा डाल के लगा सकते हैं, सिंपल है। ये एक नया चीज दिख रहा है इस पे, ये लॉक है, ये लॉक है, ये सो ऑल ओवर लॉक होता है। अगर आदमी बिजली यूज़ करना है, अगर वाई फाई हम बिल नहीं भरा इसके लिए, तो यहाँ से
से इसको लॉक करके, लॉक करके ऑफ करके ऑफ पोजिशन पे करके यहाँ से लॉक मार देंगे तो इसका ब्रेकर ऑन नहीं होगा। इसके लिए लॉक आ जाएगा। और ये उसी का लोड शेड्यूल है, इसका ये लोड शेड्यूल जो ऑलरेडी निकाल दिया हुआ है, मेन इनकमर और यूजर साइड सब पे एक मिनट के लिए कंस्टम हुआ है। तो बना चाहिए कि फिर मीटर नंबर से मीटर नंबर ब्लैक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जैसे करके 8 9 33 34 35 36 और 37। लेकिन इसमें हर मीटर में एक कलर एक फेज दो क्यों है? इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर है या बैटरी टाइप? तो इन लोग बैटरी यही वायर में से लेंगे। और ये क्या चीज है इसमें ट्रंकिंग में? इसके पूरे वायर से ट्रंकिंग लगाते हम लोग, वायर सेल करके डाला हुआ है इसके अंदर ताकि वायर ऐसे दिखने में ना रहे। इसके लिए हम लोग ट्रंकिंग का वायर लगाया हुआ, ट्रंकिंग लगाया हुआ इसके अंदर वायर डाल के कवर लगा दिया ताकि ये सेल और लुक अच्छा लगे। ये थ्री फेज का वायर साइज क्या है और सिंगल फेज का? ये 10 mm का वायर है, 10 mm सिंगल कोर, 10 square mm, 10 square mm। और ये 2 BHK का है, फ्लैट नंबर 3 2 BHK का है। इसमें 3 AC है, इसके लिए यहाँ पे 16 mm का वायर डाला हुआ है, 16 square mm, 16 square mm।